सोचिए आपकी शादी हो रही हो, शादी वाले दिन आप शादी कर लेते हैं और फिर उसके बाद तुरंत निकल जाते हैं मुंबई की तरफ से रणजी मैच खेलने। मैच खेल लेते हैं और फिर वापस आकर अपना रिसेप्शन भी अटेंड कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही मुंबई के एक खिलाड़ी सुधाकर अधिकारी के साथ हुआ था। खिलाड़ी ने अपनी शादी के लिए रणजी मैच नहीं छोड़ा, वो भी इस डर से कि जो जगह लेगा अगर वो अच्छा खेल गया तो उनकी जगह टीम से चली जाएगी। देखिए, एक टाइम पर ऐसा कहा जाता था कि भारत की टेस्ट टीम में आना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा मुश्किल है मुंबई की टीम में अपनी जगह बनाना। एक मैच न खेले तो दूसरा खिलाड़ी इतना अच्छा खेल जाएगा कि टीम से आपकी जगह चली जाएगी। सुधाकर अधिकारी की बात करें तो उनका थोड़े दिन पहले ही 82 साल की उम्र में निधन हो गया था। जब भी उन क्रिकेटर्स का जिक्र होगा जिन्हें टैलेंट के बावजूद भी टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला था, उसमें इनका नाम सबसे ऊपर आएगा। टेस्ट कैप के हकदार थे, कहते हैं कि वो गणित में बहुत अच्छे थे, कई बेहतरीन पारी खेली। फारूक इंजीनियर और अधिकारी ने ईडन गार्डन में 1962-63 में बंगाल के विरुद्ध रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में पहले विकेट के लिए 269 रन जड़े थे। खुश मिजाज इंसान थे जो ड्रेसिंग रूम में तनाव का माहौल बनने ही नहीं देते थे। अपनी शादी के दिन रणजी मैच खेलने के लिए सही वक्त पर ब्रिबॉन स्टेडियम पहुंच गए थे क्योंकि कप्तान ने कह दिया था कि लेट हुए तो जगह चली जाएगी। सोचिए उस वक्त कितने प्रेशर में रहे होंगे और इसी प्रेशर में अधिकारी ने शतक ठोक दिया था और साथ ही साथ इसके बाद रिसेप्शन भी उन्होंने अटेंड कर लिया था। वक्त था जब क्रिकेटर अपनी शादी को बीच में ही छोड़कर आ जाता है और आज के खिलाड़ी हैं जो रणजी नहीं खेलते हैं क्योंकि इंजरी हो जाएगी। अधिकारी के स्टैट्स के बारे में भी आपको बता देते हैं। 4 रणजी ट्रॉफी फाइनल में मुंबई टीम का हिस्सा थे। 1962-63 में ब्रिबॉन स्टेडियम में रेस्ट ऑफ इंडिया के विरुद्ध ईरानी कप मैच के लिए मुंबई के लिए 173 रन रणजी ट्रॉफी में अपनी पहली गेंद पर छक्का लगाया था। लगातार 50 सालों तक कांगा लीग में भी खेले थे। तो ये उस दौर की बात है जब जो है खिलाड़ी अपनी शादियां छोड़ दिया करते थे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइव।